घोटाला मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने जल जीवन मिशन में हुई गड़बड़ी मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को आज ईडी जयपुर कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। बीते दिनों ईडी ने इस मामले में महेश जोशी के घर छापेमारी भी की थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, जल जीवन मिशन को लेकर के कांग्रेस नेता महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। पहले ईडी के द्वारा उनके घर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी और आज उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। देखिए, जल जीवन मिशन घोटाला मामले में पूर्व जलदाय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश जोशी की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीते दिनों प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने उनके आवास पर छापेमारी की थी और साथ ही कई अधिकारियों के ठिकानों पर भी सर्च किया गया था। अब पूर्व मंत्री महेश जोशी को आज ईडी दफ्तर बुलाया गया है। ईडी के जयपुर के अम्बेडकर लिखित दफ्तर में जो है आज संबंध भेज कर पूर्व मंत्री महेश जोशी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी अधिकारी अब तक जांच के दौरान जो तमाम तथ्य सामने आए थे इस मामले को लेकर अब महेश जोशी से पूछताछ करेगी। जल जीवन मिशन मामले में सामने आया था कि बड़ा घोटाला किया गया था और ऐसे में तमाम जो आय अर्जित की गई थी घोटाले के तौर पर जो रकम जो है वो अर्जित की गई थी, इसी मामले को लेकर पीएमएलए एक्ट के तहत ये पूरा जांच और कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल माना जा रहा है कि पूर्व मंत्री महेश जोशी, अब ये देखना होगा कि आज ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं होते हैं, वे खुद दफ्तर जाते हैं या अपने अधिवक्ताओं के जरिए जो है वहां पर पेश होकर पूछताछ का सामना करते हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर यह तय माना जा रहा है कि अब महेश जोशी की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही इस मामले में कई अधिकारी और जो इंजीनियर्स थे वो भी बीते दिनों ईडी के राडार पर थे, तो उनसे भी पूछताछ मामले में की जा सकती है। जी विवेक, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। हिमाचल कांग्रेस के